सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है, और अपना एंड्रॉयड वर्जन भी आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड्रॉयड वर्जन मेरे मोबाइल का क्या है और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे मोबाइल पे। तो देखिए, मैं इधर आता हूँ सेटिंग में आके, अपने एंड्रॉयड वर्जन को आपको दिखाता हूँ। एंड्रॉयड देखिए यहाँ टैप करूँगा तो एंड्रॉयड 13 है यहाँ पर, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपने मोबाइल में। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पर आएगा दिस Can't use this folder। ये इस प्रॉब्लम को मैं 2 मिनटों के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके भी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है शिज़ुको। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन एक दफ़ा आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बिल्ड नंबर आपको मिलेगा, बिल्ड नंबर में आपको 8 दफ़ा टैप करना है। यहाँ देखिए 8 दफ़ा जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। आपको चेक कर लेना डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है नीचे ऑन हो चुका है। यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा ऑन ऑफ कर लेना है ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। तो एक दफ़ा ऑन ऑफ कर लेना है। ऑन ऑफ करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा USB डिबगिंग के नाम से, वायरलेस डिबगिंग के नाम से, उसको एक दफ़ा आपको ऑन कर लेना है। यहाँ देखिए अलाव देने के बाद इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फिर से आपको शिज़ुको एप्लीकेशन जो है वो ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे इसको आपने पेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा यानी कि हम कुछ भूल गए, दोबारा से डेवलपर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक सेटिंग और आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए इसको जो है वायरलेस डिबगिंग को यहाँ पे पेयर बनाना है। ये जो कोड है आपको ऊपर क्लिक करने के बाद सेम टू सेम कोड यहाँ पे दे देना है। तो देखिए ये कोड मैं इधर दे देता हूँ। इसी तरीके से आपने भी करना है डेवलपर ऑप्शन पे जाकर। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कर दिया, सक्सेस हो गया। फिर से हमें बैग आ जाना है। बैग आने के बाद यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल होने वाला है। तो देखिए फिर से यहाँ पेयरिंग जो है हो चुकी है, हमें बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोबारा से डेवलपर ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ से आपको वायरलेस डिबगिंग को ऑन ऑफ कर देना है। एक दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कोडिंग में 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपके। उसके बाद फिर से आपको बैग आ जाना है। बैग आने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ आप भूल गए, फिर से आपको डेवलपर ऑप्शन पे आना है। डेवलपर ऑप्शन पे आने के बाद आपको एक सेटिंग को डिसेबल करना है जिसका नाम है डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको जो है डिसेबल कर देना है। देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा डिसेबल के नाम से मॉनिटर। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सेटिंग आ चुकी है डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। तो इसको ऑफ़ कर देना। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको एक दफ़ा फिर से ऑन ऑफ करूँगा वायरलेस डिबगिंग को, और उसके बाद यह कोडिंग 1 से 2 सेकंड का होगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। यहाँ देखिए मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम जो थी वो अब फिक्स हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ऑन करता हूँ 90 FPS को, और उसके बाद यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने यहाँ पे अनलॉक यूजिंग शिज़ुको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। देखिए यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी सिर्फ 2 से 3 मिनटों के अंदर। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि यार आने वाली वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें। यहाँ देखिए आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मेरी। अब मैं गेम को भी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले शुरू में 1 से 2 दफ़ा एरर आएगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।